Hello everyone, so let's discuss the most important current questions for CAT MBA exam 2020. Myself Mehak, and subscribe to the channel for all the MBA updates and press bell icon to receive important videos. You can follow us on Instagram and Facebook as well. Now, pehla question dekhte hain. This says Amit and Aman have to travel from Delhi to Jaipur in their respective cars. So यहाँ पे दो लोग हैं अमित और दूसरा है अमन. दोनों को दिल्ली टू जयपुर ट्रैवल करना है अपनी कार्स में. नाउ अमित इज ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर वाइल अमन इज ड्राइविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर. नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय अमन टू रीच जयपुर इफ अमित टेक्स 9 आवर्स. सो सबसे पहली बात तो ये नोटिस करते हैं कि जो दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता है से सम एक्स किलोमीटर्स है. नाउ वी नो अमित जो है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर, राइट. और टाइम टेकन बाय अमित जो है वी नो दैट इट इज 9 आवर्स, राइट. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अमित ने. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अमित इज 60 × 9, राइट. नाउ अमन की बात करते हैं. सो अमन की स्पीड वी नो इज 90 किलोमीटर पर आवर. दिस इज अमन स्पीड. नाउ टाइम टेकन बाय अमन लेट्स सपोज दिस इज सम टी आवर्स, राइट. नाउ हमें निकालना है ये टी, करेक्ट, टाइम टेकन बाय अमन टू रीच जयपुर. सो डिस्टेंस दिल्ली टू जयपुर सेम ही कवर किया है अमन ने भी, जो कि यही डिस्टेंस होगा, करेक्ट. सो लेट्स इक्वेट दिस 60 × 9 = 90 × t, करेक्ट इक्वेशन बन रहा है. सो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी 2/3 × 9, एंड ये वैल्यू आ जाएगी 6 आवर्स, राइट. सो ए इज आर आंसर हेयर. Now look at this question. Equation x² + 5x - 7 = 0 has roots a and b. So ये quadratic equation है, इसकी दो roots होंगी और दो roots हैं a और दूसरी है b. Now equation 2x² + px + q = 0 has roots a + 1 और दूसरी root है उसकी b + 1. Now यहाँ पे value पूछी गई है, find p + q. What is the value of p + q, राइट. सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x² + 5x - 7 = 0, इसमें सम ऑफ रूट्स a + b क्या होगा, -5/1, राइट, माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ x², राइट. और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a × b क्या होगा, सी, ये जो सी होता है यहाँ पे, राइट. आई एम कंपेयरिंग दिस टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0. सो अगर ये इक्वेशन गिवन होती है तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे होगा c/a, राइट. तो यहाँ पे मैंने c/a लिया, सो दिस इज -7/1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड इक्वेशन. यहाँ पे सम ऑफ रूट्स है a + 1 + b + 1 एंड दिस सम इज इक्वल्स टू -p/2, राइट. नाउ दिस इज a + b + 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू -p/2. नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन 1 वी कैन से a + b की जो वैल्यू है रिप्लेस दैट बाय -5, राइट, करेक्ट. सो हम कह सकते हैं -p/2 इज इक्वल्स टू -3 एंड p इज इक्वल्स टू 6. सो p की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 6. नाउ सेकेंड इक्वेशन में ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, सो a + 1 × b + 1, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू q/2 यूजिंग दिस, करेक्ट. सो इसको एक्सपैंड करते हैं, ये आएगा ab + a
plus b plus 1. And this is equals to q by 2. Now, p की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू वी नो इज माइनस 7 एंड ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस 5, करेक्ट. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 1, दिस इज माइनस 11. और यहाँ से क्यू की वैल्यू आएगी माइनस 22. सो पी प्लस क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, पी प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 22 प्लस 6, राइट, विच इज माइनस 16, राइट. सो दिस इज आवर आंसर. सो लेट्स सी दिस वन. नाउ राम इज डिसाइडिंग विच कार टू रेंट फॉर अ डे फॉर अ क्लास ट्रिप फ्रॉम अमंग क्रेटा एंड अ फीगो. सो ही हैज टू कार ऑप्शंस, दो कार ऑप्शंस है उसके पास. द रेट पर किलोमीटर इज इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो यहाँ पे रेट पर किलोमीटर का ऑप्शन है, रेशियो है 3:2. सीटिंग कैपेसिटी का रेशियो है 5:2. स्पीड्स हैं आर इन द रेशियो 7:4. नाउ यहाँ पे हमारे पास रेट पर किलोमीटर का रेशियो है, सीटिंग कैपेसिटी का रेशियो है विच इज 5:2, स्पीड्स का रेशियो है विच इज 7:4, राइट. नाउ दिस इज फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम कॉस्ट इनकर्ड दैट डे फॉर द टू कार टाइप्स गिवन देयर इज नो वेस्टेज ऑफ कैपेसिटी और टाइम. सो यहाँ पे मैक्सिमम कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे किसी भी कार की, अगर क्रेटा की भी हमें मैक्सिमम कॉस्ट निकालनी होगी तो वो कॉस्ट किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, दैट विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन रेट पर किलोमीटर. और हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि वो कॉस्ट डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगी या इनडायरेक्टली या इनवर्सली, राइट. डायरेक्टली डिपेंड करेगी इस पर, रेट पर किलोमीटर पे तो डेफिनेटली डायरेक्टली डिपेंड करेगी. सीटिंग कैपेसिटी, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड आएगा, राइट, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग होंगे. एंड स्पीड रेशियो भी ऑब्वियसली, स्पीड पे भी ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी. सो मैक्सिमम कॉस्ट जो होगा वो इन तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा दोनों कार्स के लिए, करेक्ट. सो ये हम रेशियो कह सकते हैं कि अगर हम ये माने रेशियो है 3x 2x एंड दिस इज सम 5/2y एंड दिस इज 7z 4z. सो हम कह सकते हैं मैक्सिमम कॉस्ट इनकर्ड का जो रेशियो है वो होगा 3x × 5y × 7z डिवाइडेड बाय 2x × 2y × 4z, राइट. और ये रेशियो इक्वल टू आएगा 105/16, राइट. कोई फॉर्मूला नहीं था इसमें, बट यू हैव टू थिंक कि मैक्सिमम कॉस्ट किस किस पे, किस फैक्टर्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है. नाउ लेट्स सी, f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 2p प्लस 1 इनटू x प्लस p² माइनस 1 एंड x इज अ रियल नंबर हियर. नाउ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p द फंक्शन बिकम्स 0, राइट. सो x यहाँ पे एक रियल नंबर गिवन है हमें, और अगर x रियल नंबर है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जो रूट्स होंगी वो भी रियल रूट्स होंगी, राइट. रियल रूट्स मतलब t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो हम यहाँ पे इसका d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. सो d इज हेयर b² b मतलब कोफिशियंट ऑफ x, सो 2p + 1² माइनस 4 × कोफिशियंट ऑफ x² × 1 इंटू कोफिशियंट ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म b² - 1. नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट. सो यहाँ पे क्या करते हैं, होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, 4p² + 1 + 4p - 4p² + 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी गेट 4p + 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.
सो यहाँ से आ जाएगा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5/4, राइट? सो आर थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट वन, करेक्ट? सो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन था और उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी एंड वी वर गिवन दैट एक्स इज रियल नंबर. सो एक्स अगर रियल नंबर है सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, वो रियल ही होंगी. और रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का क्या ट्रू होना जरूरी है? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? सो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड वी गॉट दिस इक्वेशन एंड पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5/4. नाउ ट्रेन वाला क्वेश्चन है ये. टू ट्रेन्स ए एंड बी लीव स्टेशन पी एंड क्यू साइमल्टेनियसली. सो ये पी स्टेशन है, ये क्यू स्टेशन है. नाउ ट्रेन ए यहाँ से चली पी से, ट्रेन बी यहाँ से क्यू से चली. ट्रैवल टूवर्ड्स क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली. यस, ए इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स क्यू, बी इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पी एंड दे आर ऑन सेम रूट. नाउ आफ्टर मीटिंग एंड रूट ए टेक्स 1 आवर टू रीच क्यू. सो यहाँ पे वो किसी पॉइंट पे मिलते हैं, राइट? लेट्स से वो पॉइंट है ओ, लेट्स से पॉइंट वेयर दे मीट, करेक्ट? नाउ ए और बी इस पॉइंट ओ पे मिलते हैं एंड देन ए को लगता है 1 आवर टू रीच क्यू एंड बी टेक्स 4 आवर्स टू रीच पॉइंट पी. Now, how long did A take to cover the entire distance? So, entire distance cover करने के लिए A को कितना time लगा? We have to find out that. Now, let's say this is some distance D1 and let's say this is some distance D2. Now, distance D1 cover करने के लिए हम ये suppose करते हैं कि train A को O point तक पहुँचने के लिए लगे T time. राइट? और ए और बी दोनों ट्रेन्स ने साथ में ही स्टार्ट किया था, इट्स गिवन, साइमल्टेनियसली उन्होंने स्टार्ट किया था. सो यहाँ से क्यू पॉइंट से जब बी ट्रेन ने स्टार्ट किया तो ओ पॉइंट पे जब ये पहुँचे तो उसको भी टी टाइम ही लगा होगा, वो भी टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रही थी जब वो पॉइंट ओ पे आई, और ए ट्रेन भी टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रही थी जब वो पॉइंट ओ पे आई, राइट? सो हम कह सकते हैं कि ट्रेन ए ने टी टाइम लगाया, यहाँ पे टी टाइम लगाया D1 डिस्टेंस कवर करने के लिए, और ट्रेन बी ने भी टी टाइम लगाया डिस्टेंस D2 ट्रैवल करने के लिए, करेक्ट? सो यहाँ पे D1 की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड ऑफ ए ले लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इंटू टाइम टी. नाउ ओ पॉइंट से पी पॉइंट बी ने कवर किया है 4 आवर्स में, तो मैं D1 को बोल सकती हूँ डैट D1 इज स्पीड ऑफ ट्रेन बी इंटू 4, राइट? नाउ इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर देती हूँ. सो आई गेट टी इंटू एस ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू SB. ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया है. नाउ सिमिलरली D2 के लिए लिखते हैं. D2 ट्रेन बी ने ट्रैवल किया टी टाइम में, राइट? एंड D2 ट्रेन ए ने ट्रैवल किया ओ से क्यू पे पहुँचने के लिए इन जस्ट 1 आवर. सो इन दोनों को कंपेयर करो, सो यू गेट 1 इंटू SA इज इक्वल्स टू T इंटू SB. नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. लेट्स डू 3/4, 3/4. सो वी गेट वॉट? वी गेट T/1 इज इक्वल्स टू 4/T. और यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, तो टी एक पॉजिटिव टाइम, एक पॉजिटिव चीज़ है, तो टी की 2 वैल्यू ही होगी, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो यहाँ से हमारी टी की वैल्यू आ गई है 2. सो ए ट्रेन की बात करें, सो ए ट्रेन ने D1 डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर किया और D2 डिस्टेंस 1 आवर में कवर किया, विच इज ऑलरेडी गिवन, राइट? सो टोटल टाइम उसने लिए 3 आवर्स, करेक्ट? सो डी इज द राइट ऑप्शन हेयर.
Now let's see this one. So let's see this one. Now if 3x plus 2y minus 22 whole square plus 4x minus 5y plus 9 whole square is equals to 0 and 5x minus 4y is equals to 0. Find the value of x plus y. Now this is a very, not very tricky, but थोड़ा सा एक ट्रिक आपको इसमें ऑब्जर्व करनी होगी. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो आप देख सकते हैं कि ये एक होल स्क्वायर टर्म है, और जो भी होल स्क्वायर टर्म होती है वो आपको पता है, या तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी या उसकी वैल्यू समथिंग पॉजिटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, राइट. और ये भी एक होल स्क्वायर की टर्म है, तो मैं कह सकती हूँ इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, करेक्ट. Now, this is something greater than equal to 0 added with something greater than or equal to 0. But right hand side pe kya hai? 0. Aur right hand side pe 0 kab possible hai? Maan lo, agar ye first term ki value kuch greater than 0 hai aur second term ki value bhi greater than 0 hai. Is case mein kya right hand side kabhi equal to 0 ho sakta hai? अगर हम कुछ दो नंबर्स को ऐड करें जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, क्या उन दोनों का सम कभी ज़ीरो के इक्वल आएगा? नेवर, राइट. इसलिए ये केस तभी वैलिड है जब दोनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, ताकि ज़ीरो और ज़ीरो दोनों का सम भी इक्वल टू ज़ीरो आए. ओनली केस पॉसिबल इज़ दिस. अगर एक केस ये हो कि पहली टर्म ज़ीरो है और दूसरी टर्म ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन ऑल्सो इन दोनों का सम ज़ीरो नहीं होगा. ओके, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी ये दोनों इंडिविजुअली दोनों टर्म्स ज़ीरो के इक्वल हो. विच विल गिव अस व्हाट? दिस मीन्स 3x माइनस 2y माइनस 22 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 4x माइनस 5y प्लस 9 equals to 0, right? और यहाँ से तो हमें given ही है कि 5x is equals to 4y, right? तो हमारे पास इतनी equation है, variable दो हैं और equation आप देख सकते हैं तीन equation हमारे पास आ गई है. So very easy to solve for values of x and y, और x plus y की value हमारी निकल जाएगी, correct? सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे है 4x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, राइट. तो अब क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, लेट्स सॉल्व यूजिंग 5x इक्वल्स टू 4y. इस इक्वेशन को लेते हैं, वी गेट 3x प्लस 2 इंटू 5x बाई 4 इज इक्वल्स टू 22, राइट. ये आ जाएगा 3x प्लस 5x बाई 2 इक्वल्स टू 22. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 44. 11x इक्वल्स टू 44, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4. x की वैल्यू 4 आएगी, सो वी नो y की वैल्यू क्या आएगी, 5x बाई 4, y की वैल्यू आ जाएगी 5, करेक्ट. सो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इक्वल्स टू 9, करेक्ट. नाउ राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग एट टू एंड्स ऑफ अ रूम विद अ विड्थ ऑफ 30 मीटर. सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे राम खड़ा है और बीच में इनकी डिस्टेंस है 30 मीटर्स का, और श्याम खड़ा है यहाँ पे. नाउ दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द रूम विद अ स्पीड ऑफ, राम ने चला 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, श्याम ने चला 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ओके, नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय राम व्हेन ही मीट्स श्याम फॉर थर्ड टाइम. सो इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक लगेगी. सो लेट्स सी, फर्स्ट टाइम वो कब मीट करेंगे. फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली कहीं मिडल में मीट करेंगे, एट सम पॉइंट ओ, राइट.
सो दोनों ने जब मिडल में मिलेंगे, दोनों साथ में ही स्टार्ट करते हैं और कुछ टी टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट। सो इसने यहाँ तक, ओ तक आने के लिए 2T डिस्टेंस ट्रैवल किया, और यहाँ इसने ओ तक आने के लिए शाम ने सिर्फ 1 × T डिस्टेंस ट्रैवल किया। और 2T + 1T, ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 30 मीटर्स, राइट। सो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 सेकेंड्स। सो फर्स्ट टाइम जब मिले तो हम कह सकते हैं राम ने कितना ट्रैवल कर लिया है? 20 मीटर्स, राइट। नाउ फर्स्ट टाइम मिलने के बाद क्या होगा? राम जाएगा, इस पॉइंट को बी कहती हूँ, इसको स्टार्टिंग पॉइंट को ए। सो राम बी की तरफ जा रहा है और श्याम जा रहा है ए की तरफ, करेक्ट। सो हम देख सकते हैं कि 10 मीटर का डिस्टेंस और बचा है बी तक पहुंचने के लिए, तो राम ये 5 सेकेंड्स में कवर कर लेगा, करेक्ट। एंड श्याम 5 सेकेंड्स में सिर्फ कितना कवर कर पाएगा? यहाँ पे 5 मीटर्स, राइट। तो अब यहाँ की बात करते हैं। नाउ सेकेंड टाइम ये कब मिलेंगे? आप सोच सकते हैं ये सेकेंड टाइम कब मिलेंगे। तो सेकेंड टाइम क्या होगा कि अब शाम यहाँ पे जा रहा है, फाइनली शाम यहाँ पे पहुँचेगा, राम यहाँ पे पहुँचेगा, राइट। और ये चल के यहाँ पे फिर से आ रहे होंगे, करेक्ट। लेकिन हमें यहाँ पे टाइम का ट्रैक नहीं है कि कितना टाइम पास हो गया है, राइट। सो हम क्या करते हैं, अगर हम, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी इसमें, लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पे और पहुँचने के लिए यहाँ पे राम को लगेंगे 5 सेकेंड्स और लगाए, ठीक है, तो राम पहुँच गया है बी पॉइंट पे, और 5 सेकेंड्स के बाद शाम फिर भी 15 मीटर्स अवे है पॉइंट एस से, करेक्ट। तो 5 सेकेंड्स के बाद क्या होगा? ये 15 मीटर्स कितने उसमें कवर करेगा? 15 सेकेंड्स में, करेक्ट। और 15 सेकेंड्स में राम कितना कवर कर लेगा? 15 × 2, 30 मीटर्स। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड बारी वो पॉइंट ए पे ही मिलेंगे। नाउ आप एक बात नोटिस करो कि जब वो सेकेंड टाइम मिल रहे हैं तो राम और श्याम ने मिलके दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है? देखो फर्स्ट टाइम मिले तो दोनों ने 30 मीटर्स कवर किया, राम यहाँ से चला, श्याम पॉइंट बी से चला, करेक्ट। फिर श्याम ए पे पहुंचा और राम बी पे पहुंचा, करेक्ट। तो जब पॉइंट ओ से राम बी पे पहुंचा और शाम एस पे ए पे पहुंचा, तो मैं क्या कह सकती हूँ? दोनों ने मिलकर फिर से 30 मीटर्स कवर कर लिया है, राइट। नाउ आप देख सकते हैं जब वो सेकेंड टाइम मिले तो बिकॉज राम की स्पीड ज़्यादा है, तो राम जितने शाम ए पे पहुंचता है, राम फिर से बी पे पहुंचने के बाद ए पे फिर से आ जाता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि राम ने फिर से 30 मीटर्स कवर कर लिया, या मैं कह सकती हूँ जब वो सेकेंड टाइम मिले तो राम और श्याम ने, दोनों ने मिलके अभी तक कितना कवर कर लिया है? 90 मीटर्स, ठीक है। तो इसी टर्म्स में आपको सोचना है कि राम और श्याम ने इकट्ठे कितना मिलके टाइम, आई मीन डिस्टेंस कवर कर लिया है थर्ड टाइम मिलने पे, राइट। अब आप देख सकते हैं क्या होगा कि ये सेकेंड टाइम मिल चुके हैं, अब ए पॉइंट से दोनों स्टार्ट करेंगे, राम और श्याम, करेक्ट। क्योंकि राम की स्पीड ज़्यादा है, तो मान लो राम पहुंच गया यहाँ पे बी पे पहले, करेक्ट। और जब राम बी पे पहुंचा तो श्याम कहीं इन द वे ही है, मान लो श्याम पहुंचा है यहाँ पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे पहुंचा है। तो अगर अभी मैं बात करूँ कि अभी इन्होंने टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट पे कितना कवर कर लिया होगा कि जब राम बी पे फिर से पहुंच गया और श्याम कहीं पी पे पहुंचा है, आप कहेंगे कि 90 मीटर्स तो पहले कवर किया था और राम ने 30 मीटर्स अकेले ने और कवर किया है और श्याम ने किया है ये कुछ ए पी डिस्टेंस।
राइट। नाउ बी रीच करने के बाद राम फिर से मुड़ पड़ेगा और ये किसी पॉइंट एस पे मिलेंगे फिर से। श्याम और राम किसी एस पॉइंट पे मिलेंगे फिर से, करेक्ट, बीच में मिलेंगे पी और बी के। नाउ हम कह सकते हैं कि अब राम ने कितना कवर कर लिया डिस्टेंस एस पी, और श्याम ने कर लिया है डिस्टेंस कुछ पी एस, करेक्ट। नाउ आप कह सकते हैं कि ए पी प्लस पी एस प्लस एस पी ये तीनों का सम कितना है, इक्वल टू 30 मीटर्स ओनली, करेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन दे मीट फॉर द थर्ड टाइम दे हैव कवर्ड 150 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस, करेक्ट। नाउ बिकॉज डिस्टेंस इज टाइम इंटू स्पीड, तो जब वो थर्ड टाइम पे मिल रहे हैं तो टाइम तो दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों ने साथ में ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, और जब वो थर्ड टाइम पे भी मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों किसी टी टाइम के लिए ही वॉकिंग ट्रैवलिंग में है, तो टाइम तो सेम है। ओके, तो नाउ यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, और मैं कह सकती हूँ कि टाइम दोनों का सेम है, राम का भी और श्याम का भी, तो डिस्टेंस राम और श्याम ने कितना कितना ट्रैवल किया है, राइट, टोटल मिलके तो उन्होंने कितना ट्रैवल किया है, 150 मीटर्स, राइट, टोटल उनका 150 मीटर्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि 150 मीटर्स अगर टोटल डिस्टेंस है एंड दिस इज स्पीड ऑफ राम इंटू टाइम टेकन बाय राम प्लस स्पीड ऑफ श्याम इंटू टाइम टेकन बाय श्याम, करेक्ट। तो यहाँ से तो हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी कि दोनों कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे थे, कितना टाइम पास हो गया था जब उन्होंने ट्रिप स्टार्ट करी, सो वी कैन से 50 सेकेंड्स। बट हमारा आंसर यही नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ क्योंकि टाइम दोनों के केस में राम और श्याम ने दोनों टी टाइम के लिए वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे, तो उनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि 150 मीटर जो उन्होंने टोटल टाइम ट्रैवल किया है उसमें से कितना राम ने ट्रैवल किया और कितना श्याम ने ट्रैवल किया, तो उसका रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली 2:1, क्योंकि उनकी स्पीड 2:1 रेशियो में है, तो मैं कह सकती हूँ कि 2/3, 2/3, राइट। अगर 150 के मैं 3 पार्ट्स करूँ तो उसके 2 पार्ट्स जितना डिस्टेंस राम ने कवर किया है, करेक्ट। आई कैन से 100 मीटर्स इज कवर्ड बाय राम एंड 50 मीटर्स इज कवर्ड बाय श्याम, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। सो इसमें यही ट्रिक थी कि आपको ये देखना है कि इन दोनों ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अगर आप ऐसे निकालेंगे कि फर्स्ट टाइम ये यहाँ मिले, सेकेंड टाइम फिर इतना टाइम बीत गया फिर ये यहाँ मिले, सो इट विल बी नॉट ईजी टू ट्रैक दैट। एंड अभी तो इसमें थर्ड टाइम भी ही पूछा था, क्या पता क्वेश्चन में फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम भी पूछा होता, सो इस ट्रिक से आप इजीली वो टाइम निकाल सकते हैं कि अगर थर्ड टाइम मिल रहे थे तो राम ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होता। नाउ हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, सो इस इक्वेशन की बात करते हैं। वी नो ऐसे केसेस में मॉड में क्या होता है कि हमें डिफरेंट केसेस बनाने होते हैं। केसेस कैसे, कि आप केस मान लेंगे कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स इज लेस देन 0, तो अगर हमारा एक्स लेस देन 0 है और अगर हमें मॉड हटाना है तो हम मॉड हटा के क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन को बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, राइट। मॉड एक्स को आप रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, माइनस एक्स से इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि मॉड की जो आउटपुट होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। माइनस साइन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये जो एक्स है मान लो इसकी वैल्यू है -5, और मॉड हटा के हमने एक बाहर माइनस साइन लगा दिया तो इवेंचुअली तो ये एक पॉजिटिव चीज ही बन रहा है, करेक्ट, इसलिए हम प्लस साइन लगा देते हैं, आई मीन माइनस माइनस प्लस हो गए, मॉड हटा के हमने माइनस साइन लगा दिया था एक। नाउ रियल सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है हमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0,
एक्स कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे -3 कॉमन लिया, नाउ यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 -10। नाउ आप देख सकते हैं ये हमने केस लिया है कि एक्स की वैल्यू इज लेस देन 0, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -10, और एक्स की वैल्यू 3 को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव एक्स की बात हो रही है, हमने एज्यूम ही ये किया था कि एक्स इज लेस देन 0। नाउ दूसरा केस लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ अगर एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड हटा के भी हम उसे एज इट इज एक्स ही लिख देंगे। सो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -7x-30 = 0, राइट। अब फैक्टर्स बनाते हैं, -10x+3x-30 = -30 = 0। वी गेट एक्स इन टू x-10, और +3 कॉमन लिया ये आ जाएगा x-10। यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक्स इज -3 एंड एक्स इज 10। अगेन -3 वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो क्योंकि ये केस है, एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इसमें। सो यहाँ से आपको सोल्यूशन मिला x = 10। सो आप देख सकते हैं एक रियल सोल्यूशन ये है, दूसरा रियल सोल्यूशन ये है। सो देयर आर टू रियल सोल्यूशंस फॉर दिस, सो सी इज आर राइट आंसर हियर। नाउ 6 children एंड 2 men कंप्लीट अ जॉब इन 6 days, ओके। ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम अ मैन टेक्स टू कंप्लीट द सेम अमाउंट ऑफ जॉब। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 children जितना काम करेंगे वो एक मैन कर देगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है 2 children 2 men वो जॉब 6 days में करते हैं, तो अगर हमारे पास 6 children की जगह दिस इज 3 × 2, ठीक है। तो अगर मैं 6 children की जगह 3 men भी लूँ और +2 men मतलब टोटल 5 men भी लूँ तो वो भी काम 6 days में कर देंगे। इसका मतलब यही है कि 2 children एक मैन के बराबर हैं, या कहूँ एक मैन के बराबर कितने हैं, 2 children। नाउ इन हाउ मेनी डेज विल 4 men कंप्लीट द सेम जॉब। सो हमें पता है कि 5 men जो है 6 days में करते हैं काम, तो 1 day work की बात करूं तो 1 day work कितना होगा, 5 men का 1 day work कितना होगा, 1/6 पार्ट, 1/6, और 1 man का 1 day work कितना होगा, 1/30। मैं कह सकती हूँ कि 1 man 30 days लेगा इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट। नाउ 4 men कितना टाइम लेंगे, ऑब्वियसली जो 30 days एक बंदे ने लिए, ये 30 days का काम 4 men में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। या मैं कहूँ यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 man का 1 day work है 1/30, सो 4 men का कितना हो जाएगा, 4/30, इतना काम वो 1 day में कर लेंगे 4 men, राइट। दिस इज 2/15। या मैं कह सकती हूँ कि 4 men कितना लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम 15/2 days विच इज 7.5, एंड डी इज आर राइट ऑप्शन हियर। सो वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज, जस्ट चाइल्ड 2 children को आपको रिप्लेस करना है 1 man से, इसे ध्यान रखना, इसलिए मैंने 6 children को रिप्लेस किया 3 men से, और 5 men ने 6 days लिया और 1 man ने 30 days। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि एक मैन 30 days लेता है जॉब कंप्लीट करने के लिए, तो वही 30 days क्या होंगे, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो काम 4 लोगों में बढ़ जाएगा तो उतने ही दिन कम लगेंगे। एक तो ये लॉजिक इसमें ज़रूर लगाया करो कि कई बार क्या होता है कि हम अननोइंगली मल्टीप्लाई कर देते हैं कि चलो 1 man ने 30 days लिए, 4 men ने 30 × 4 इतने ले लेगा, बट दिस इज रॉन्ग लॉजिक। आप लॉजिक लगा के सोचिए कि अगर एक आदमी को 30 days लग रहा है काम करने के लिए, तो 4 लोगों को तो डेफिनेटली कम ही लगेगा उस काम को करने के लिए, राइट। तो 30/4 करते तो देन ऑल्सो 7.5 days ही आंसर आ रहा था यहाँ से।
एंड दिस इज सेम लॉजिक ओनली, मैंने यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड कर रही हूँ, और अल्टीमेटली मैंने उसका रेसिप्रोकल ही लिया है, अल्टीमेटली मैं उसे 30/4 ही कर रही हूँ। तो ये लॉजिक ज़रूर याद ध्यान में रखना है कि 1 को 30 डेज लग रहे हैं तो 4 को डेफिनेटली 30 से कम ही लगेंगे, तो डिवाइड होगा, कम लगेंगे तो डिवाइड होगा, ज़्यादा लगेंगे तो किसी चीज़ को, ज़्यादा लगेंगे तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। नाउ x²-9x+mod k हैज़ रियल रूट्स, हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज को सर्कल कर लो, कैन के टेक, राइट, फॉर अवॉइडिंग मिस्टेक्स ऑब्वियसली। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रियल रूट्स की बात हो रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहे हैं हम, राइट, डिस्क्रिमिनेंट इज b², राइट, -9² या +9² जो भी लिखना है की बात है, -4 × 1 × mod k। नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी से 81 - 4 mod k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 mod k - 81, क्योंकि मैंने साइन चेंज किया है तो इसका भी साइन रिवर्स हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ से मॉड के की वैल्यू आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू 81/4। सो यू कैन सी दिस इज 20.25। सो मॉड के की जो वैल्यू है वो लेस देन 20.25 होनी चाहिए, मॉड हटाओगे तो आपको मिलेगा दिस शुड बी लेस देन, आई मीन ग्रेटर देन -20.25, लेस देन और इक्वल टू 20.25। नाउ वी हैव टू टेक ओनली इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज क्या क्या बनेंगी इसकी, -20 से स्टार्ट होके -19, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 20, यही इंटीजर वैल्यूज हैं, वी कैन से टोटल 41 इंटीजर वैल्यूज होंगी। सो 41 हमारा आंसर है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का लॉजिक पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रियल रूट्स के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, डी शुड बी ग्रेटर देन 0 या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो वो भी चलेगा, करेक्ट। सो वी कुड फाइंड आउट कि कितनी वैल्यूज ले सकता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।